हाँ तो गाइस, मैं आप लोग को काफ़ी स्पेशल टूरिस्ट से मिलाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लोग कोई ब्लॉगर लोग नहीं आया होगा, तो यहाँ पे काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानता है। क्या है भाई, इतना पुराना हो चुका है, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग सो गुड। और यहाँ पे महाराजा रहते थे, जब ब्रिटिशर्स गए फिर महाराजा का यहाँ पे राज रहा। और फिर जब एसेशन हुआ इंडिया के साथ, तो उस टाइम हरी सिंह ही थे इसी पैलेस में। हाँ, आइटम यू कैन नॉट टच गाइस, बिकॉज़ यू विल गेट फाइन। ओहो, इसको क्या बोलते हैं गाइस, नाम क्या है इसका? फायरप्लेस। हाँ, पर्सनली यूज किया हुआ? हाँ, पर्सनली यूज किया, बिकॉज़ उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। ये गोरखा का वो चाकू है क्या? कौन सा? ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइंस, और ये डिजाइन जो बनाने वाले थे सब पर्शिया से आए थे। पर्शियन थे? हाँ, सब पर्शियन आर्ट है ये। और ये ड्रेसिंग टेबल है जो महाराजा यूज़ करते थे, और हम भी इसको टच कर रहे हैं, ये देखिए। और महाराजा ने टच किया है और हम भी टच कर रहे हैं। गाइस, लोग गुलमर्ग का जलवा देखो यहाँ पे। अगर आप अपनी वाइफ के साथ नहीं आए भाई, तो क्या ही किया आप। जो भाई आप लोग देख रहे हो, ये जो बादल बादल से ऊपर दिखाई दे रहा है, वहाँ जाएंगे यहाँ से। सॉरी, वर्ल्ड टूर पे जाने वाला है, मैं प्लान कर रहा हूँ एक वर्ल्ड टूर। वहाँ से बंदी लाना है भाई, वापस आ रहा हूँ। व्हाट्सएप पे काफ़ी बात हो चुकी है, अब फिजिकली मिलना पड़ेगा भाई। तो उसको गुलमर्ग दिखाएंगे। फर्स्ट टाइम तो पापा सारी को दिक्कत भी नहीं होगी गुलमर्ग का जैसा। तो ये है कि यूरोपियन गर्ल्स लाइक भी करता है ट्रैवल करना, वाइफ मैच करती है। माय गॉड, का ये चल रहा है यार। महाराजा पैलेस में है, यहाँ पे गुलमर्ग में है, और ये हरि सिंह है, ये हरि सिंह उनका पैलेस है। राइट गाइस, तो काफ़ी एनीथिंग है यहाँ पे। लोग कोई ब्लॉगर लोग नहीं आया होगा, बट पापा सॉरी आपको दिखा रहा है ये चीज़। ठीक है गाइस, इसके पैलेस में तो शायद ये महाराजा हरि सिंह थे। तो मेरा नाम हरिंदर है, तो इसमें मैं वो हरी है, तो मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ से। तो गाइस, यही पैलेस था गाइस। तो दिस गाइस पैलेस सो ब्यूटीफुल मैन। तो यहाँ पे काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानता है, जस्ट बिकॉज नेटिव लोग घूम रहा हूँ। तो लोगों ने बताया कि ये काफ़ी हरि सिंह गाइस, UPSC में पढ़े होंगे गाइस आप लोग भाई। तो गाइस, ये पैलेस था हरि सिंह का, ये काफ़ी वुडन मटेरियल से बना हुआ है। पापा सो रहे थे, यूट्यूब चैनल है। तो गाइस, दिस इज द व्यू फ्रॉम हरि सिंह पैलेस। राइट, तो ये कुछ होगा, हॉल टाइप है ही। तो गाइज, यही है गाइज, यू विल एंजॉय दिस पैलेस। सिटिंग एरियाज काफ़ी है, ये हॉल है, यहाँ पे कुछ लोगों मीटिंग्स वीटिंग्स चलता होगा। और गाइज, क्या है भाई, इतना पुराना हो चुका है, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग सो गुड, इट इज़ इन गुड कंडीशन। तो गाइज, पैलेस बेडरूम नंबर 1, बेडरूम।
3 है गाइस, don't touch it. ये क्या है गाइस, ये हुक्का हुक्का से रखा हुआ है हरि सिंह का भाई, ये क्या ये भाई छुरी छाड़ी रखा हुआ है, एक गन है गाइस, आप आइटम को नहीं छू सकते, फाइन लग सकता है उसके लिए। तो गाइस पर्पस और इन हैरी पैलेस, पूरा घूम लिया हम, हमको लगा तुम लोग बाहर चला गया, यहाँ पे महाराजा का यार, यहाँ पे और पूरा लकड़ी से बना हुआ है यार, और ये अभी तक उसी जमाने का अभी तक है ना, तो यार क्या कौन सा लकड़ी होगा यार, दिलदार लकड़ी जो है यहाँ पे महाराजा रहते थे, जब ब्रिटिशर्स गए महाराजा का यहाँ पे राज रहा, और फिर जब एसेशन हुआ इंडिया के साथ तो उस टाइम हरी सिंह ही थे इसी पैलेस में। हाँ ये इस पैलेस पे नहीं, वो तो वहाँ डिक्लेरेशन में जाएंगे, बट रहते वो इसी पैलेस में थे। अच्छा हरी सिंह, और देखिए इस बेड में सोते थे। आइटम यू कैन नॉट टच गाइस बिकॉज इज इट फाइन टू ओहो, इसको क्या बोलते हैं गाइस, नाम क्या है इसका, फायरप्लेस है गाइस, कोयला लगाते हैं लकड़ी जलाते हैं, पूरा जो है ये जो रूटीन है दिलदार की है, और इसको ख़त्म बंद बोलते हैं दिलदार, इतनी महंगी लकड़ी है भाई, अभी तक इसको कुछ नहीं है गाइस। ए भाई ये मटेरियल बता, मैं यूज़ किया उन्होंने सब कुछ, ये पर्सनली यूज किया हुआ, हाँ पर्सनली यूज़ किया बिकॉज उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, ठीक है, और ये लैंप है क्या, हाँ ये लैंप से जलाते थे और ये वो यूज़ करते थे इन वॉर, वॉर में ड्रोन्स का लगा हुआ ये हथियार, ये बुरखा का वो चाकू है क्या, कौन सा ये देखिए हेलमेट है उनका, हेलमेट है, हाँ बिल्कुल लड़ाई तो हो रही थी उस जमाने में, और ये उनके पास देखिए कैसे वेपन्स होते थे, मैंने उस टाइम वहाँ से भी अपोजिट भी यही वेपन्स होते थे, तो देखिए वापस और ये देखिए सर सामान जो वो यूज करते थे, कैसे बनाते थे वो, खत्म बन गया, कितना ब्यूटीफुल डिजाइन, और ये
डिजाइन जो बनाने वाले थे सब पर्शिया से आए थे. पर्शियन थी? हाँ, सब पर्शियन आर्ट है ये. सो ये देखिए, जैनुल आबदीन ना ये जो है वो लेके आए थे वो पर्शिया से. हाँ, कारीगर जिन्होंने कश्मीरी लोगों को ये सिखाया ये आर्ट. और ये देखिए, ये पूरा सामान है जिसमें वो कपड़े रखते थे, बाकी सामान है. और ये फायर प्लेस है, यहाँ पे वो लकड़ी जला के गर्मी करते थे विंटर्स में, बिकॉज बहुत सर्दी पड़ती है यहाँ. एंड ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है. और ये ड्रेसिंग टेबल है जो महाराजा यूज़ करते थे और हम भी इसको टच कर रहे हैं. ये देखिए, और महाराजा ने टच किया है और हम भी टच कर रहे हैं. आर्ट में तो सायर पर्शियन मुगल्स आर्ट में. ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू है. और पूरा लगी सब कर लिया. अब लार्ज इट इज और कितना बड़ा है. पैलेस पे तो यही गाइस. पापा सॉरी, अब एंड करेगा हरी सिंह पैलेस का व्लॉग. इंडिपेंडेंटली डाला जाएगा इस पैलेस को, क्योंकि गुलमर्ग में जो भी आता है इस पैलेस को एक्सप्लोर करना भूल जाता है, क्योंकि ये वही कर सकता है जिसको पहले पता हो, नेटिव हो यहाँ का. तो गाइस ये काफ़ी ब्यूटीफुल पैलेस है. पापा सॉरी. Yes guys, we are signing off from Hari Singh Palace. Alright. Yes guys. Huh. पैलेस का बालकनी एरिया से है और यहाँ से व्यूज आप देख सकते हो कैसे अभी लोग कैसे एक्सप्लोर करते हुए बहुत सारे का. तो गाइस काफ़ी हिस्टोरिकल पैलेस पे आ चुके हैं हम लोग. हरी सिंह जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे पार्टीशन के दौरान, जिनका जो पर्सनालिटी थी हरी सिंह, उनके पैलेस पे आके बैठने के बाद सीधा भाई 1947-1945 में हम लोग पहुँच चुके हैं. ये पैलेस काफ़ी खूबसूरत है गाइस. जो आर्ट है ना यहाँ पे, वुडन का जो आर्ट है ना आप लोग गाइस, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस वंस इफ यू आर कमिंग फॉर गुलमर्ग टूर. तो गाइस मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि जो चीज़ पापा सॉरी दिखाएगा गुलमर्ग के ब्लॉग में वो कोई और नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग विथ नेटिव्स. नेटिव पीपल राइट. यस गाइस, दिस इज द ब्लॉग. गाइस आई एम साइनिंग फ्रॉम दिस हरी सिंह पैलेस. Yes guys, we are signing from Hari Singh Palace. Papa Saur is going towards it. Okay guys, thank you. हाँ तो guys, मैं आप लोग को काफ़ी स्पेशल टूरिस्ट से मिलाने जा रहा हूँ. ये भाई हैदराबाद से आए हैं ब्रो. हाँ उमर भाई, आ जाओ ब्रो, आ जाओ. पापा सॉर कैसे तो हम आएंगे भाई. यार भाई ऐसे कैसे कर, ब्लॉग ऑन कर दिया हूँ. अरे ऑन हो गया. हाँ तो मैं एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अरे हमारे तो गाइज आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दो. जी मैं, मेरा नाम मोहम्मद अजहर अली. ओके, कहाँ से आए हो? हैदराबाद. ओके गाइज आप बताओ.
सेम हैदराबाद से। अच्छा हम सारे लोग पूरे हैदराबाद से। मेरा नाम है रिजवान खान। हाँ बोलो आप लोगों ने। मोहम्मद सलीम। और ये बोले कश्मीर से हुए। ये आप इसको कैसे जानते हो? टूरिस्ट गाइड है। हमारे लवली फ्रेंड है। लवली फ्रेंड है आगे। फ्रेंड है कश्मीर के फ्रेंड। तो देखो भाई, दोस्ती बनाने का यही फायदा है। भाई का दोस्त है तो ये लोग कश्मीर का जो लोकल है वो अपने दोस्त को बुलाने घुमाने आ रहा है। ये हमारा कैमरा मैन है। तो ही इज द कैमरा मैन। मैन कैमरा मैन। क्या नाम है इनका? शोएब खान। शोएब खान। शोएब खान आप यहीं से हो? हाँ जी। ओके ओके भाई, क्या मस्त इंजॉय कर रहे हो तुम लोग यार। कैमरामैन लेके भी घूम रहे हो और नेटिव पीपल को भी लेके घूम रहे हो। तो यार ऐसे ही होगा टूरिस्ट, क्योंकि ये अननोन प्लेस है तो नॉन लोकल रखना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से करना है। तो गाइस आप लोग अभी घूमे नहीं है ना, अंदर जाके देखिए, बहुत मस्त है। हम लोग तो घूम के आ गए हैं। तो गाइस आप लोग जाइए अंदर देखिए। तो गाइस मुझे को बहुत अच्छा लगा। पापा सॉर इज द चैनल नेम, यू कैन रीड दिस हियर। मैं इसको ब्लॉग पे डालूंगा, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू। एंजॉय द डे, एंजॉय द डे, हैप्पी जर्नी। ओके गाइस, थैंक यू। तो फोटो तो निकल जाएगा, वीडियो से। अच्छा इसमें। अच्छा भाई ले रहा है। तो गाइस ये कैमरा मैन है, अपना फोटो लिया जा रहा है पापा सॉरी का और मुस्तफी का। एक बार और ले लो भाई। तो गाइस ये ऑप्शन है। तो पापा सॉरी हियर मैन, सी हियर। ओके यस, थैंक यू। जैसे मैंने आपको वादा किया, और वहां पे लेक भी है जिसमें आप रात में बातें कर सकते हो।